नमस्कार, हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर बालकिशन, जो कि जम्मू को बिलोंग करते हैं और इनको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए एंजियोग्राफी में पता चला था कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनरिज्म है। और इस एनरिज्म को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये दोबारा भी फट सकता था और अगर दोबारा ब्लीडिंग होती तो शायद मुश्किल पड़ जाती। इसको ट्रीट करने के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है क्लिपिंग का, जिसमें हम हड्डी में छोटा सा छेद बना के अंदर घुस के क्लिप लगा देते हैं ताकि वो दोबारा ना फटे, उसके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। या दूसरा मेथड होता है जिसको एंडोवास्कुलर मेथड कहते हैं, जिसमें कॉइलिंग करते हैं, हम नसों के अंदर से जाके उसके अंदर कॉइल भर देते हैं ताकि वो दोबारा ना फटे। मिस्टर बालकिशन से हमने डिस्कस किया, इंट्रिकेसीज कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए, तो इन्होंने चूज़ किया कि हम क्लिपिंग वाला मेथड अडॉप्ट करें और आज ये हमारे पास डेढ़ साल बाद फॉलोअप के लिए आए हैं जम्मू से और आज ये काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, एक रूटीन फॉलोअप के लिए आए हैं और मैं इनके मुँह से सुनना चाहूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, मैं जम्मू से आज ही आया हूँ, आज 12 बजे पहुँचे गए यहाँ से, मैं डायरेक्ट आप यहीं पर आया हूँ, तो काफ़ी पहले से मैं बेहतर समझ रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो जो डॉक्टर राहुल जी हैं, तो इनसे मुझे काफ़ी ये भी मिली है, तो मतलब ओवरऑल मैंने मेरे को डॉक्टर साहब इस अच्छा चीज़ में अच्छे लगे, तो उन्होंने जो ऑपरेट भी किया था मेरे को, आज मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ और मेरे को आज तक कोई इसमें कोई अभी दिक्कत विक्कत नहीं आई है, तो इसी वजह से मैं आज डॉक्टर साहब से फॉलोअप के लिए आया हूँ। सब कुछ ठीक है, नॉर्मल जी ज़िंदगी आप पे आया हूँ मैं, थैंक यू सर। काम पे ऑफिस आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने काम पे मैं रेगुलरली जाता हूँ, आप तो थैंक यू सो। कितने दिन आपको? 6 दिन से रिपेट रखा था हमने हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद आप थोड़े दिन यहाँ रुके थे नोएडा में और फिर वापस जम्मू वापस 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन बाद बिल्कुल सर। तो अपना नॉर्मल एक्टिविटी चल रहा, फिर हाथों पैरों की पावर वगैरह सब पूरी हैं? पूरी है बिल्कुल सर। मान्य सर, तो जो इस तरह की ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम है उसमें मुख्य कारण रहता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इनको नियमित रूप से रेगुलरली चल रही हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको दोबारा कभी किसी और वजह से भी ब्रेन हेमरेज ना हो। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए सलाह यही दे रहा हूँ कि जो भी अगर जो GP वगैरह जो दवाई के खाते हैं वो कंपलसरी खाइए अपने टाइम पर, बाकी जो प्रिकॉशन जो है डॉक्टर साहब ने दी है उन चीज़ों से तो अवेयरनेस तो करना ही, अवेयरनेस तो रहनी है, बाकी ओवरऑल अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा हूँ, थैंक यू। रेगुलर एक्सरसाइज करना और दवाइयों को टाइम पे लेना, अपने चेकअप्स रेगुलरली करवाना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को सही टाइम पे सही जगह पे मिलना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके डिजीज़ को जल्दी पकड़ा जाए और उसका अप्रोप्रिएट इलाज किया जाए ताकि आपको उसकी वजह से जो नुकसान है वो ना हो और आपका ट्रीटमेंट हो सके ताकि आप एक सेफ, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सकें। धन्यवाद। Thank you.